चंडीगढ़ में काफ़ी दिनों से चल रहे वेंडरों और दुकानदारों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां पर हाई कोर्ट भी स्पष्ट निर्देश दे चुका है कि दुकानों के आगे लगे वेंडरों को तुरंत हटाया जाए। प्रशासन ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी सिटी ब्यूटीफुल में जो लाइसेंस धारक बैठे हैं वो मौजूदा स्थल को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। जो लाइसेंस धारक नहीं हैं वो स्थायी ठिकाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है प्रशासन इस विवाद से कैसे निपटेगा। इस संबंध में अर्थप्रकाश संवाददाता ने सड़कों पर बैठे आम वेंडरों से बातचीत की, देखें। इनके साथ जो है इनकी दुकानें जो है यहाँ से उठाई जाएं जो रोड के साइड में लगती हैं, तो आपके हिसाब से कैसा है, मतलब रूट गलत है सर? जो रोड पे कमा रहा है बंदा उसको कमाने दो, इनको कोई दिक्कत नहीं है इनको, ठीक है ना? ट्रेन यहाँ रुकती है, ठीक है ना? और जो बंदा 15-20 साल तक कमा रहा है तो ये कहाँ जाएगा ट्रेन में? बिल्कुल। और जो बोलते रहे थे आपकी ट्रैफिक भी नहीं लगती, तो बेसिक कारण जो है वो यही बोलते हैं कि ट्रैफिक लग जाता है, ये है वो है, तो मेरे हिसाब से भी ट्रैफिक जो है वो नहीं लगता। और आपके हिसाब से समाधान क्या होना चाहिए इसका? देखो मैं कहता हूं इनको जहां बैठे इनको बैठने दीजिए, ठीक है ना? ना पब्लिक को दिक्कत है इनके रुकने की, ना ट्रैफिक हो है, ये शहर में बैठे हैं ना। बिल्कुल। तो क्या सरकार को ये भी करना चाहिए कि इनके लिए कोई खास दुकानें बनानी चाहिए? हाँ, दुकान बना के दे दो इनको बैठने की इजाजत दी जाए। दुकान बनाने के बाद भी फिर इनको तंग किया जाता है इनको। जितने भी ये वेंडर बैठे होते हैं उनको हम उठा रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा ऐसा जैसे वो उठा रहे हैं तो जैसे मेरा लाइसेंस बना हुआ है तो मुझे कहीं जगह दें, जो हम इतने पैसे भर चुका हैं सर, तो उसमें जगह भी कम दे रहे हैं मुझे, तो उसमें इतनी जगह तो नहीं जितनी हमारी दुकान लग सके। मेरा ये कहना है मतलब जो इतनी जगह दे दें हमारी जितना हमारी जगह दुकान लग जाए, अब उसमें बहुत कम जगह दे रहे हैं हमारे लिए, उसमें हमारा गुजारा कैसे होगा सर? और क्या जैसे वो जगह जहाँ पे दे रहे हैं वहाँ पे ग्राहकों की भी कमी रहती होगी? वहाँ तो दिक्कत तो बहुत सारी होगी सर, वहाँ तो मतलब फिर भी जैसे चलो जगह दे रहे हैं, वहाँ मार्केट बन जाएगी तो काम हो जाएगा, लेकिन इतनी जगह तो देंगे हमारा काम हो जाए उसमें। बिल्कुल। ये जो आपने दुकान लगाई है और बाकियों ने भी लगाई है, ये हम हटाएंगे तो इस पे आपका क्या कहना है? इसमें हटाएंगे तो बहुत गलत होगा ना, जब सरकार जो है गलत हमारे गरीब आदमियों के साथ में बहुत गलत करती है, तो इसका समाधान क्या? हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पर कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कोई ट्रैफिक लगती है, नहीं कोई प्रदूषण का चक्कर है, ना कोई पब्लिक को दिक्कत है, खाली जगह पर बैठे हैं, लेकिन सरकार फिर भी अपना गलत फैसला कर रही है। बिल्कुल। तो आप कितने साल से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? हम कहा अब 1995 के आए हुए हैं चंडीगढ़ में। तो आपको नहीं लगता एकदम से जो ये फैसला लिया गया है वो बहुत गलत है? वो तो गलत तो है, तो आपके हिसाब से इसका समाधान जो है वो क्या होना चाहिए? समाधान ये होना चाहिए मतलब जो बंदे यहाँ बैठे हैं वहाँ उनको बैठे लेना, अगर उसको वो करना है तो उनके लाइसेंस बना के और जगह दे दो। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।